दोस्तों 2013 के 5 रुपए के सिक्कों में रेयर सिक्का कैसे निकालते हैं, चलो देखते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये वाला निकिल ब्रास का सिक्का है। इस सिक्के को पलटी करके ये साइड से देखते हैं तो ऐसा दिखता है। ये ऐसा ही दूसरा वाला सिक्का फिर चेक कर लेते हैं। इन सिक्कों के अंदर सेम अशोक स्तंभ मिलाते हैं। ये वाला अशोक स्तंभ है, ऐसा ही दूसरा वाला अशोक स्तंभ मिलाते हैं। ऐसा दूसरा वाला भी है, सेम मिल गया। तीसरा वाला भी सेम दिख रहा है। चौथा अशोक स्तंभ भी सेम दिख रहा है। इसको और पलटी करके चेक कर लेते हैं, ये भी सेम ही नजर आता है। नहीं, कुछ डिफरेंट नहीं नजर आ रहा। इसको भी चेक कर लेना जरूरी है। सभी का अशोक स्तंभ लमसम सेम दिखाई दे रहा है ना। ऐसे बहुत सारे सिक्के अगर आप लोगों के पास पड़े हुए हैं निकिल ब्रास के, तो एक बार इन सिक्कों को निकाल के जरूर देखें, क्योंकि इन सिक्कों के अंदर एक डाई वैरायटी देखने को मिलती है, या फिर म्यूल वैरायटी बोल सकते हैं हम लोग उसको। वो म्यूल वैरायटी का सिक्का अगर आप लोग को मिल जाता है तो वो कीमती सिक्का माना जाता है, और उस सिक्के की कीमत भी कुछ ज्यादा मिलती है। तो आप लोगों के पास ऐसे निकिल ब्रास वाले सिक्के पड़े हुए हैं 5 रुपए के, तो आज मैं आपको बताऊंगा इन सिक्कों के अंदर आई हुई एक म्यूल वैरायटी के बारे में, जो कि 2013 के सिक्कों में पाई जाती है कोलकाता मिंट के सिक्कों में। कैसे दिखता वो सिक्का, वो मैं आपको आगे इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो 2013 का जो कोलकाता मिंट का 5 रुपए के सिक्के हैं, स्पेशली इन सिक्कों के अंदर देखना है। इसके अलावा भी 2-3 ईयर में इन सिक्कों के अंदर म्यूल वैरायटी पाई जाती है, लेकिन हम लोग सीखेंगे आज 2013 से, जो 2013 का 5 रुपए का सिक्का है, इन सिक्कों के अंदर वो म्यूल वैरायटी देखने को मिलती है। वो सिक्का कैसा होता है, अशोक स्तंभ से पहचाना जाता है। जैसे ये अशोक स्तंभ हो गया, ये वाला अशोक स्तंभ हो गया, ये वाला अशोक स्तंभ हो गया, ये वाला अशोक स्तंभ हो गया। इसको देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट नजर आता है, लेकिन ये म्यूल नहीं है, म्यूल सिक्का होता है, थोड़ा सा अलग ही दिखता है। तो चलो जान लेते हैं उस म्यूल वैरायटी के सिक्के के बारे में, कैसा वो दिखता है और आप उसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इन सिक्कों की थोड़ी सी डिटेल के बारे में बता देता हूँ, तभी आपको वो सिक्का समझ में आएगा, म्यूल वैरायटी का सिक्का बनता कैसे और उसको पहचाना कैसे जाता है। तो ये जो सिक्के हैं, इन सिक्कों को जारी किया गया था 2011 से लेकर 2019 तक। निकिल ब्रास के ये 5 रुपए के सिक्के 2011 से लेकर 2019 तक जारी किया गया था, और ये भारत के सभी मिंटों में जारी किया गया था, मुंबई, हैदराबाद और नोएडा और कोलकाता। मिंट मार्क के बारे में आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो नोएडा का होता है डॉट का मिंट मार्क, मुंबई का होता है डायमंड का मिंट मार्क, कोलकाता का कोई भी मिंट मार्क नहीं होता है, और हैदराबाद मिंट का होता है स्टार का मिंट मार्क। ऐसे ही इन सिक्कों के साथ में जारी किया गया था 1 रुपए का ये वाला सिक्का। ये सिक्के भी 2011 से लेकर 2019 तक जारी किए गए थे भारत के सभी मिंटों में, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा, सेम मिंट मार्क। और इन सिक्कों की साइज की बात करें, थोड़े थोड़े डिफरेंट है। ये जो एक इन सिक्कों का वजन होता है 3.76 ग्राम, और सिक्कों की साइज होती है 21.93 mm, और जो 5 रुपए के ये वाले सिक्के होते हैं, इन सिक्कों की साइज होती है 23 mm, मतलब साइज में थोड़ा डिफरेंट है। इन सिक्कों में ज्यादा नहीं है, इनकी थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा। जैसे हम लोग इस सिक्के को ऊपर लगाएंगे तो उतना ज्यादा फर्क तो नहीं नजर आता, लेकिन थोड़ा सा आता है, उतना ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा, मतलब ये सिक्का 1 रुपए का सिक्का इससे छोटा होता है। तो इन सिक्कों की साइज में थोड़ा सा फर्क है, बाकी थिकनेस सिक्कों का अलग अलग है। जो 1 रुपए का सिक्का होता है, इसका थिकनेस होता है 1.9 mm, और ये जो 5 रुपए का सिक्का है, इसका थिकनेस होता है 1.45 mm, मतलब थिकनेस अलग है लेकिन साइज में थोड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस है। ये 22 mm के बोल सकते हैं और वो वाले 23 mm के, 1 mm का फर्क है इन सिक्कों के अंदर। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये म्यूल वैरायटी के सिक्के आपको कैसे दिखेंगे और आप इन सिक्कों को कैसे पहचानेंगे, और अगर आप इन सिक्कों, अगर आपको ऐसा सिक्का मिल जाता है म्यूल वैरायटी का इन सिक्कों के अंदर, तो आपको उस सिक्के के बदले में कितने पैसे मिल सकते हैं, उसके बारे में आगे इस वीडियो में जानने वाले हैं। कहिए, दोनों सिक्के अलग अलग मेटल के अंदर जारी किए गए हैं। ये वाला जो सिक्का है, ये है निकिल ब्रास का, और ये वाला है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का। दोनों सिक्कों का अलग अलग मेटल है। अब मैं आपको बता देता हूँ जो सिक्का म्यूल है वो कैसा दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं म्यूल कॉइन को। म्यूल कॉइन ऐसा दिखता है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऐसा एक म्यूल कॉइन होता है। फर्क क्या है वो आगे आपको पता चलेगा। अभी देखा ये था म्यूल कॉइन, और ये वाला है एक नॉर्मल कॉइन। नॉर्मल कॉइन और म्यूल कॉइन में क्या फर्क देखने को मिलता है, वो अशोक स्तंभ है। मैंने आपको पहले समझाया, जो अशोक स्तंभ है उसके अंदर जो ऊपर का कान है वो नहीं होता है। जो म्यूल कॉइन का जो होता है उसके अंदर आपको 1 रुपए के सिक्के में जो अशोक स्तंभ है वो वाला देखने को मिलता है, उसका डाई इस सिक्के में यूज कर लिया जाता है, जिसकी वजह से ये डबल रिंग भी देखने को मिलता है। इन दोनों सिक्कों को देखने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा सिक्का म्यूल है और कौन सा सिक्का नॉर्मल है, क्योंकि ये दोनों 1 रुपए और 5 रुपए के दो सिक्के हैं, दोनों का अशोक स्तंभ डिफरेंट देखने को मिलता है।
इन सिक्कों के अंदर जो म्यूल कॉइन है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा 1 रुपए का जो अशोक स्तंभ है, फर्स्ट में पड़ा हुआ सिक्का वो वाला अशोक स्तंभ, जो 5 रुपए का अशोक स्तंभ है उसके ऊपर कान देखने को नहीं मिलते हैं, और 1 रुपए का जो अशोक स्तंभ है उसके ऊपर कान बने हुए हैं। उसके अलावा जो इसका फर है वो भी अलग अलग डिजाइन किया हुआ है। तो इससे भी ये चीज समझ में आ जाता है कि 1 रुपए का अशोक स्तंभ कौन सा और 5 रुपए का अशोक स्तंभ कौन सा है। तो और जो म्यूल कॉइन है उसके अंदर आपको ये जो रिम है इसका ये भी डबल देखने को मिलता है। सो गाइस, म्यूल कॉइन ऐसा देखने को मिलेगा आपको। आप इस सिक्के को देख के आराम से पहचान जाएंगे, इसका जो रिम है ये डबल है और पहले वाले सिक्के का। अगर इस सिक्के को नॉर्मल साइड से देखते हैं तो इस एक साइड का जो रिम है वो सिंगल रिम का सिक्का है। तो ऐसा म्यूल कॉइन अगर आपको मिल जाता है तो ये आपको देखना है कोलकाता मिट के सिक्कों में देखने को मिलेगा। अब इन सिक्कों को कीमत क्या मिलेगी ये भी जानना जरूरी है। तो ये जो म्यूल कॉइन है 2013 के कोलकाता मिट के, इन सिक्कों की कीमत आपको मिल सकती है यूएनसी कंडीशन में 500 रुपए तक। और अगर आपके पास में ये सिक्का एक्स्ट्रा फाइन या फाइन कंडीशन में होता है, ठीक ठाक कंडीशन का सिक्का होता है, तब भी आपको 200 से 250 रुपए इन सिक्कों के मिल सकते हैं। तो जब भी आपके हाथ में ऐसे सिक्के आए निकल ब्रास के 5 रुपए के, तो एक बार जरूर उस सिक्के को पलटी करके देखें और 1 रुपए के इस सिक्के के अशोक स्तंभ को जरूर मैच करवाएं। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। अगर आपको ये जानकारी समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपके पास किस किस के पास में ऐसे म्यूल वैरायटी के सिक्के हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।